दूसरा सवाल ये था कि आपने खुद ही कहा कि मुझे स्कार्फ दिया, एरमिस का स्कार्फ दिया, और चार बार या पांच बार बॉबी ब्राउन का जो है मैंने लिपस्टिक जो है मंगवाया होगा। आपसे किसी ने पूछा नहीं, आप महिला हैं, महिला होने के नाते हम आपका सम्मान करते हैं, और महिलाओं के बारे में हमेशा आदमी को पॉजिटिव होना चाहिए, पॉजिटिव बातें करनी चाहिए। लेकिन इसी पार्लियामेंट में 10,000 रुपया लेने के लिए भी सांसद निष्कासित हो चुके। बॉबी ब्राउन, यदि आपने, आपको दिया नहीं उसने गिफ्ट, आपने उससे मंगवाया, और वो आपका मित्र जो है किसी व्यक्तिगत चीजों के कारण नहीं है। आज मैं यदि सांसद हूं तो ये घर मेरा है, यदि कमिटी का मैं मेंबर हूं तो वहां लोगों को डिपोजिशन के समय मैं अधिकारियों से मिलता हूं, मैं प्राइवेट लोगों से मिलता हूं, मैं फिक्की CIA के लोगों से मिलता हूं। इसका मतलब ये नहीं कि उससे मेरी दोस्ती हो गई। दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामे में, जिसको कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री ने कहा कि उसके सामने कहा गया, उसने साफ कहा है कि महुआ मेहता से उनकी पहली मुलाकात 2017 में जब ये विधायक थी, पब्लिक सर्वेंट थी, और जब बिजनेस समिट हो रहा था कलकत्ता में, तब चूंकि बिजनेसमैन को कैटर करने के लिए माननीय ममता बनर्जी जी ने अपने कुछ विधायकों को लगाया था, कुछ अधिकारियों को लगाया था, उसी वक्त आपकी दोस्ती हुई। तो आपकी दोस्ती एक पब्लिक सर्वेंट के नाते हुए, आपका बचपन का दोस्त नहीं है दर्शन हीरानंदानी, आपको यह समझना चाहिए कि विधायक हो या सांसद हो उसके आधार पर हुआ। और आपने यदि उसको मंगाया तो एक बॉबी ब्राउन का जो कीमत है, बेस प्राइस यदि है तो 4,000 है, यदि चार बार आपने मंगा लिया तो 16,000 रुपया तो आपने ले ही लिया, और 5,000 से ज्यादा यदि आप गिफ्ट लेते हैं पब्लिक सर्वेंट के नाते तो आपको रिपोर्ट करना पड़ता है। तो आपने रिपोर्ट किया या कस्टम एक्साइज में जो है वो रिपोर्ट करते हुए आया कि हम जो है बॉबी ब्राउन इसके लिए लेके आ रहे हैं? तो और यदि आप खुद कहेंगी कि मैं एरमिस मंगा रही हूं, मैं बॉबी ब्राउन मंगा रही हूं, मैं लिपस्टिक मंगा रही हूं, यदि उस तरह के क्वेश्चन एथिक्स कमिटी करेगी तो आप कहेंगे कि द्रौपदी का चिरहरण हो गया। तीसरा सवाल जो है कि दर्शन हीरानंदानी ने अपने हलफनामा में, जो हलफनामा पब्लिकली उसने टाइम्स नाउ के इंटरव्यू में कहा कि उसने 3 जगह इस पेपर को भेजा है, एक कमिटी ऑफ एथिक्स को दिया है, एक CBI को दिया है, और एक निशिकांत दुबे को दिया है, तो स्वाभाविक है कि मेरे पास है। जो उसने कहा है, उसने बड़ी अच्छी बात कही, उसने कहा कि मैंने इसके ट्रेवल एक्सपेंस दिए, मैंने इनको बड़े बड़े गिफ्ट दिए, ये उन्होंने खुद कहा। मतलब जो पत्र उन्होंने भेजा है उसमें उन्होंने कहा है कि चाहे डोमेस्टिक ट्रेवल हो, चाहे इंटरनेशनल ट्रेवल हो, चाहे बरलूती का सवाल हो, चाहे गुच्ची का सवाल हो, चाहे LV का सवाल हो, सब दिया है। तो कमिटी क्यों नहीं पूछेगी कि 25 लाख का यदि आप रोलेक्स वॉच पहन रही हैं तो पूछा जाएगा ना कि इसका बिल आपके पास है कि नहीं। यदि 2.5 लाख 3 लाख का आप गॉगल्स लगा रही हैं तो आपने खुद ही लिपस्टिक से इसको शुरू किया, तो कमिटी उसको कुछ क्यों नहीं पूछेगी? बरलूती का बैग कहाँ है, अरमिस का क्यों कहाँ बैग है, ये तो कमिटी पूछेगी। दूसरा सवाल ये है कि 2019 में सांसद बनने के बाद से लेके आज तक आपने 14 बार विदेश की यात्रा की, ये आप ये समझिए कि डेट वाइज है। आप US गई हैं, आप UK गई हैं, आप UAE गई हैं, आप फ्रांस गई हैं। तो जब इतनी बार आप गई हैं तो इनकम टैक्स आप कितना पे करती हैं, ये निश्चित तौर पर कमिटी पूछेगी। दूसरा, जब दर्शन हीरानंदानी ये कह रहा है कि हम इसके डोमेस्टिक और इंटरनेशनल दोनों ट्रेवल को हम स्पॉन्सर किए हुए हैं, उसने होटल बिल भी दिया हुआ है, एक ट्रेवल का बिल भी दिया हुआ है कमिटी ऑफ एथिक्स को, तो आप ये समझिए इसके आधार पर आपसे पूछा जाएगा कि नहीं कि आपने ये अपने इनकम टैक्स यदि आपका नहीं है तो आपने किस आधार पर ये दौरा किया, किस आधार पर इसका टिकट कटाया, किस आधार पर आप होटल में रही, कौन आपको गाड़ी भेजता था, वहाँ जो आप एक्सपेंस करते थे आपने यहाँ से। नियम है कि साल में हम लोग जो है 8,000 से ज़्यादा डॉलर नहीं खर्चा कर सकते, और यदि आप विदेश जाते हैं तो उसी 8,000 में आपको 3 बार 4 बार जितना जाना है एक इंडिविजुअल आदमी वही जा सकता है। तो डॉलर खरीदने के लिए आपने अपना पैसा उपयोग किया होगा ना कि नहीं किया होगा, तो डॉलर उपयोग करेंगे तो वो भी आपके पासपोर्ट में लिखता है कि इतना डॉलर हमने लिया, कि जिस ट्रेवल कंपनी से आप गई होंगी तो वो मांगा जाएगा।
इस तरह से ये तीन चार ऐसे प्रश्न थे जिसके बारे में कि पूछे गए 47 बार आप, और जितने क्वेश्चन पूछे गए 47 बार, क्योंकि किस तारीख को वो मेल आईडी लॉक इन हुआ, किस तारीख को कौन से क्वेश्चन पूछे गए, वो 47 के 47 क्वेश्चन ऐसे थे जो दर्शन हीरानंदानी को ही फायदा पहुंचा रहे थे, और जिसके आधार पर एक बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाने के लिए आपने एक टारगेट फिक्स कर लिया कि दुनिया के जो सबसे महत्वपूर्ण, मजबूत, सबसे लोकप्रिय नेता है मोदी जी को, उसके आधार पर जो है आप नाटक के तौर पर पार्लियामेंट में बोलते रहें और उनको अटैक करते रहें, जिससे कि आपको माइलेज मिलता रहे, सोशल मीडिया आपको माइलेज देते रहे। आज वो फायर ब्रांड जो आदमी है, वो चूहा जो हमारे यहाँ होता है, चूहा बनकर अपोजिशन के सारे सांसदों के साथ निकली है, और जो कुछ भी इविडेंस हमने दिए हैं, देहाद राय ने दिए हैं, दर्शन हीरानंदानी ने दिए हैं, मिनिस्ट्री ऑफ आईटी ने, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने और एक्सटर्नल अफेयर्स ने दिया है, दुनिया की कोई ताकत महुआ मैत्रा को नहीं बचा सकती।